पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जान को खतरा। बागेश्वर धाम में कट्टा और कारतूस लेकर पकड़ा गया मुस्लिम शख्स। जी हां, आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। आरोपी के पास से एक कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस खबर का पता चलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया शख्स मुस्लिम बताया जा रहा है। शक है कि वह किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। हालांकि पुलिस आरोपित से पूछताछ करने में लगी हुई है। युवक का नाम रंजन खान बताया जा रहा है, जो शिवपुरी जिले का निवासी है। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर धाम के परिक्रमा मार्ग के पास एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। पुलिस को संदिग्ध युवक की जानकारी दी गई। पुलिस ने युवक को दबोच कर उसकी तलाशी की तो होश उड़ गए। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम रंजन खान बताया। आरोपी गड़ा गांव के पास हाईवे पे उतरा था और तभी पुलिस आ गई थी। पुलिस को देखकर वे बागेश्वर धाम की ओर भागा, लेकिन पुलिस ने उसे परिक्रमा मार्ग के पास से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। ये दो दिन पूर्व एक आरोपी को पकड़ा है, जो मूलतः जिला शिवपुरी का रहने वाला है, और इसको थाना बमीठा द्वारा 25-27 की कार्रवाई इसमें की गई है। और बागेश्वर धाम परिसर में ये पाया गया था, और मंदिर के कुछ लोगों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी थी, और पुलिस ने जाके इसको गिरफ्तार किया है और एक अवैध हथियार इसके पास से जब्त हुआ है। इसमें कार्रवाई की जा रही है। एक कारतूस।